नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक यूजफुल जानकारी के साथ। मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचीव यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके फीचर्स के बारे में आपने मेरा ये वीडियो देखा भी होगा कि विंडोज़ 11 के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। वैसे आप इसके सारे फीचर्स की डिटेल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, पर अभी ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर डायरेक्टली उपलब्ध नहीं है। आप इसको इनसाइडर प्रीव्यू के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं कि आपको विंडोज़ 11 के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको विंडोज़ 10 को रास्पबेरी पाई पर इंस्टॉल करना बताया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम विंडोज़ 11 को रास्पबेरी पाई पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए जरूरी हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं कि हमें इसके लिए कौन कौन से हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। हमें इसके लिए चाहिए रास्पबेरी पाई 4 या 400 बोर्ड, क्योंकि इन बोर्ड्स के अंदर ठीक ठाक रैम के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि रास्पबेरी पाई 4 के लिए 2GB, 4GB और 8GB रैम के वेरियंट मिल जाते हैं और रास्पबेरी पाई 400 4GB रैम के साथ आता है। तो आप यहाँ पर कम से कम 4GB रैम वाला वेरिएंट ही यूज़ करें। मैं इसके लिए रास्पबेरी पाई 400 का यूज़ करूँगा, जिसमें कि हमें 4GB की रैम मिल जाएगी। स्टोरेज और OS को इंस्टॉल करने के लिए एक हाई स्पीड माइक्रो SD कार्ड, जो कि कम से कम 32GB का तो होना ही चाहिए। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से हार्डवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट के लिए इथरनेट केबल, डिस्प्ले के लिए माइक्रो HDMI केबल, पावर सप्लाई के लिए टाइप सी केबल। बाकी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे भी आपकी ज़रूरत है। बाकी इसके लिए बेस्ट हार्डवेयर की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। हार्डवेयर के बाद अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले हमें चाहिए रास्पबेरी पाई 400 के लिए विंडोज़ 11 की ISO इमेज। तो इसकी ISO इमेज माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर तो उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे डाउनलोड करें? तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, जिसकी मदद से आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 के लेटेस्ट एडिशन के लिए इसके अलग अलग आर्किटेक्चर के हिसाब से इसकी ISO इमेज को बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने ब्राउजर पर यह वेबसाइट ओपन कर लीजिए, uupdump.net। आप यहाँ से विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के अलग अलग एडिशन को अलग अलग आर्किटेक्चर के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको रिलीज टाइप मिल जाएगा कि आप यहाँ पर किस तरह की इमेज को बिल्ड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेटेस्ट डेव चैनल बिल्ड का, क्योंकि अभी विंडोज़ 11 इनसाइडर प्रीव्यू के डेव चैनल पर ही उपलब्ध है। तो आप इसको यहाँ से 64-bit, 32-bit और ARM64 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम रास्पबेरी पाई के लिए चूज़ करेंगे ARM64 का। ये देखिए, आपको यहाँ पर विंडोज़ 11 का लेटेस्ट बिल्ड मिल जाएगा। आप इस लिंक को यहाँ से ओपन कर लीजिए। अभी आप अपने हिसाब से ISO इमेज को सेटअप कर सकते हैं कि आप यहाँ पर किस तरह की इमेज को बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, फिर आप यहाँ पर चूज़ कीजिए एडिशन कि आप यहाँ पर कौन सा एडिशन यूज़ करना चाहते हैं, होम एडिशन या प्रो। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी एडिशन को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने प्रो को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए, फिर आप यहाँ पर चूज़ कीजिए अपना डाउनलोड मेथड कि आप इसको किस तरह से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। यदि आप यहाँ पर एडिशनल एडिशन को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये थर्ड वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक कर दीजिए क्रिएट डाउनलोड पैकेज पर। तो यहाँ पर इमेज को बिल्ड करने के लिए कुछ फाइल्स आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएंगी, जिसकी मदद से आप यहाँ पर ISO इमेज को बिल्ड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर ISO इमेज को बिल्ड करेंगे तो यहाँ पर करीब 3.5GB का डेटा डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। पहले यहाँ पर डेटा डाउनलोड होगा, फिर वहाँ पर उसकी इमेज बिल्ड होगी। तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह की फाइल्स डाउनलोड होंगी, जिनकी मदद से आप यहाँ पर ISO इमेज को बिल्ड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये तीन स्क्रिप्ट मिलेंगी, तो आप जैसा भी OS यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि macOS, लिनक्स या विंडोज़, उसके हिसाब से आप स्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी विंडोज़ 11 की ISO इमेज बिल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने समय बचाने के लिए इसको पहले से ही बिल्ड किया हुआ है, आप अपने डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। यहाँ पर विंडोज़ 11 की ISO इमेज मौजूद है। तो अभी हम इस ISO इमेज को अपने SD कार्ड के अंदर राइट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विंडोज़ ऑन रास्पबेरी पाई इमेजर टूल का। आप इस टूल को wrproject.ml की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने विंडोज़ 10 वाले वीडियो में देखा था, ये प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। आप इस टूल की मदद से विंडोज़ की इमेज को अपने SD कार्ड के अंदर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस टूल को पहले से डाउनलोड किया हुआ है और इसको एक्सट्रैक्ट भी किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको रन कराएंगे। इसको रन कराने से पहले आप अपने SD कार्ड को अपने सिस्टम से कनेक्ट भी कर लीजिए। ये देखिए, ये टूल यहाँ पर रन हो चुका है। अभी हम इसकी मदद से विंडोज़ 11 की ISO इमेज को अपने SD कार्ड के अंदर राइट करेंगे। तो उसके लिए क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। फिर आप यहाँ पर अपने स्टोरेज ड्राइव को केयरफुली सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अपना SD कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद चूज़ कीजिए आपकी डिवाइस का टाइप कि आप यहाँ पर रास्पबेरी पाई का कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रास्पबेरी पाई 2, 3, 4 या 400। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ रास्पबेरी पाई 400, तो उसको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस वार्निंग को यहाँ पर ओके कर दीजिए। इसके बाद क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। और जो आपने विंडोज़ 11 के ISO इमेज को बिल्ड किया है, आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए।
आप इसको यहाँ पर सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर ये iOS इमेज माउंट हो रही है, और ये देखिए यहाँ पर विंडोज 11 प्रो की इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। यदि आपने अपने इमेज के अंदर मल्टीपल एडिशन ऐड किए हैं तो आप इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन सा एडिशन यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने केवल एक ही एडिशन ऐड किया था, वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए, फिर आप सेलेक्ट कीजिए अपने ड्राइवर्स को कि आप यहाँ पर ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम इसको इसके सर्वर से ही डाउनलोड करेंगे, तो आप यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए, ऐसे ही आप यहाँ पर UEFI फ्रेमवर्क को सेलेक्ट कर लीजिए। हम इसका लेटेस्ट फ्रेमवेयर ही इसके सर्वर से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, फिर आप यहाँ पर इसको अपने हिसाब से कॉन्फिगर कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप इसको जैसा भी कॉन्फिगर करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं, या आप इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ। इसके बाद क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर, तो आपने यहाँ पर जो भी कॉन्फिगरेशन की है, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, उसकी समरी यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इसको एक बार केयरफुली चेक कर लीजिए कि आपने जो सेलेक्ट किया है वो सब सही है कि नहीं। यदि आपने यहाँ पर कोई दूसरी ड्राइव सेलेक्ट कर ली है, उसमें से पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर एक बार ये कन्फर्म कर लीजिए। यहाँ पर स्टोरेज ड्राइव, डिवाइस टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कन्फर्म करने के बाद क्लिक कर दीजिए इंस्टॉल बटन पर। तो आपका यहाँ पर रास्पबेरी पाई विंडोज 11 के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पर आपका SD कार्ड फॉर्मेट होगा, उसके अंदर पार्टीशन क्रिएट होंगे, फ्रेमवेयर इंस्टॉल होगा, उसके बाद विंडोज 11 की इमेज यहाँ पर राइट होगी। तो इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो अभी के लिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी हम वापस से रिज्यूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप अपने माइक्रो SD कार्ड को अपने सिस्टम से अनप्लग करके अपने रास्पबेरी पाई के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए, और अपने रास्पबेरी पाई को बूट करा लीजिए। जब आपका यहाँ पर रास्पबेरी पाई बूट होगा, तो आप यहाँ पर एस्केप बटन को प्रेस करके इसके बायोस सेटअप पर आ जाइए। हम इसको यहाँ पर पहले कॉन्फिगर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसका सेटअप ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप आइए डिवाइस मैनेजर पर, इसके बाद आइए रास्पबेरी पाई कॉन्फिगरेशन पर, और यहाँ पर ओपन कर लीजिए CPU कॉन्फिगरेशन। आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको क्लॉक कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इसकी स्पीड क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मैक्स कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पर सही परफॉर्मेंस मिले। अभी आप इसको बैक कर दीजिए। इसके बाद ओपन कीजिए एडवांस कॉन्फिगरेशन को, और यहाँ पर आप 3GB रैम लिमिट को डिसेबल कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं 4GB रैम वाला वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पूरी रैम यूज़ होगी। पर आप यहाँ पर F10 प्रेस करके इस कॉन्फिगरेशन को सेव कर दीजिए। यहाँ पर Y प्रेस करके इसको कन्फर्म कर लीजिए, और आप यहाँ से बाहर आ जाइए, और इसके बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। पर आपका यहाँ पर रास्पबेरी पाई जो आपने कॉन्फिगरेशन की है उसके हिसाब से बूट होगा। ये देखिए अभी यहाँ पर ये बूट हो रहा है। जब यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम बूट होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट बूटिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिवाइस इसके लिए रेडी होगी, और विंडोज 11 भी यहाँ पर सेटअप होगी। जैसे कि हम विंडोज 10 या विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के बाद सेटअप करते हैं, ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर इसको सेटअप करना होगा। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारी डिवाइस रेडी हो रही है। डिवाइस रेडी होने के बाद हम यहाँ पर विंडोज 11 का सेटअप करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज 11 का सेटअप स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आप इसको अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिए, जैसे कि कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप जैसे विंडोज़ को नॉर्मली सेटअप करते हैं, ठीक वैसे ही आप इसको यहाँ पर सेटअप कर लीजिए। इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, अपना विंडोज़ का यूज़र क्रिएट कर लीजिए, उसका पासवर्ड सेट कर दीजिए। ये सब सेट करने के बाद आपकी विंडोज़ 11 यहाँ पर रेडी होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये रेडी हो रही है। यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसे कि हम इसको किसी नॉर्मल PC या वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉल करते हैं। तो आपको यहाँ पर वो सारी प्रोसेस फॉलो करनी होंगी, उसके बाद आपकी विंडोज 11 यहाँ पर रेडी हो जाएगी, और आप इसका यूज़ रास्पबेरी पाई पर कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर विंडोज 11 हमारे रास्पबेरी पाई पर स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर वाईफाई वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपको इथरनेट का यूज़ करना होगा। तो मैंने इसको यहाँ पर इथरनेट के द्वारा कनेक्ट कर लिया है। मैं आपको यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितना CPU, कितनी रैम, कितनी डिस्क स्पेस यूज़ हो रही है। ये देखिए ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर CPU की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर ARM Cortex A72 का CPU है। 4GB में से कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर विंडोज़ 11 यूज़ करने के लिए रेडी है। आप इसका अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी थीम चेंज कर देता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पर मैंने डार्क थीम को एक्टिवेट कर दिया है, और आप देख सकते हैं इसका लुक यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो चुकी हैं, आप इनकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर PicsArt, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फोटोशॉप एक्सप्रेस, नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशन आ चुकी हैं। हम यहाँ पर इस गेम को भी ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस आती है।
ये देखिए यहाँ पर ये गेम ओपन हो रहा है और आप यहाँ पर परफॉर्मेंस पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीपीयू पूरा यूज़ हो रहा है पर यहाँ पर गेम भी ठीक ठाक ही वर्क कर रहा है। आपको यहाँ पर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी पर आप यहाँ पर अपना काम चला सकते हैं। आप रेसबरी पाई पर विंडोज़ 11 का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये सिस्टम की अबाउट इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से इसके बारे में पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि डिवाइस का नाम क्या है, कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है और यहाँ पर मैं विंडोज़ का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, उसका बिल्ड नंबर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। तो जो हमने इसकी लीक आई उसके अंदर सेटिंग्स देखी थी तो यहाँ पर ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं। अभी यहाँ पर ये अपडेट हो चुकी हैं जो कि पहले से काफ़ी बेहतर दिख रही हैं। मैं आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्टोर ओपन हो चुका है और यहाँ पर कई तरह की यूज़फुल एप्लीकेशंस आ रही हैं जिनको आप यहाँ पर फ्री में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस डेली यूज़ में आने वाली एप्लीकेशंस हैं तो अभी आपको इनको इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट ही माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको ये सारी एप्लीकेशंस एक ही जगह मिल जाएंगी जिनको आप यहीं से इंस्टॉल और अपडेट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर विंडोज़ 11 को रेसबरी पाई पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आपका एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर साइबर ट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिकल वीडियोज़ मिलेंगे जिससे कि आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को करीब से जान पाएंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के अंदर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।